हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन अर्थात दूसरी भाषा का अर्जन करना या दूसरी भाषा को सीखना दूसरी भाषा को सीखने में कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभाव डालते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन देर आर मेनली two types of factors that affects second language acquisition first is related to learners and second that is related to environment here today we are going to discuss about factor related to learner first of all age of the learner learner ki ayu दूसरी भाषा को सीखने में अहम भूमिका निभाती है इट प्लेज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज मैनी रिसर्च फाइंडिंग्स डिक्लेयर्स दैट एडल्ट अटेन प्रोफिशेंसी फास्टर देन लिटल चिल्ड्रन कि जो एडल्ट होते हैं वो छोटे बच्चों की तुलना में फास्ट ये जल्दी सीखते हैं क्योंकि दे आर फेमर विद लैंग्वेज सिस्टम बिकॉज़ दे हैव ऑलरेडी लर्नड देयर मदर टंग टंग्निटिवली मोर मेच्योर देन चिल्ड्रन कोग्निटिवली मीन्स कि उनका जो ज्ञान है वो छोटे बच्चों की तुलना में ज़्यादा होता है अफेक्टेड बाय द पुल ऑफ द मदर टंग प्रनं जो उनकी मातृभाषा होती है मदर टंग होती है उससे दूसरी भाषा को सीखने में उसका पनन्सीशन कैसे करना है उसमें एडल्ट्स को मदद मिलती है चिल्ड्रन एक्सेल्स एडल्ट्स इन पनंसिएशन बिकॉज दे हैव फ्लेक्सिबल वोकल ऑर्गन्स दे आर क्यूरियस बाय नेचर फ्लेक्सिबल वोकल ऑर्गन्स छोटे बच्चों के होते हैं जिससे वो जल्दी किसी भी जो पनन्सिएशन है उसको सीख सकते हैं कि कैसे किसी शब्द का उच्चारण करना है इसके लिए छोटे बच्चे के ऑर्गन्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं क्यूरियस बाय नेचर बिकॉज ऑल स्टूडेंट्स आर क्यूरियस वो सीखने के लिए हमेशा जिज्ञासु रहते हैं ये इनके लिए एक बहुत लाभ की बातें फ़ायदे की बात है कि क्यूरियस होते हैं इसलिए दूसरी भाषा को सीखना उनके लिए इजी और इंटरेस्टिंग हो जाता है दे हैव फैसिलिटी फॉर इमिटेटिंग साउंड्स चिल्ड्रन इमिटेट करना लाइक like करते हैं इमिटेशन की सहायता से वो साउंड्स को कॉपी करते हैं साउंड्स को प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं जिससे लैंग्वेज लर्निंग में उनको हेल्प मिलती है सेकेंड फैक्टर इज जेंडर मैनी रिसर्च फाइंडिंग्स डिक्लेयर दैट देर आर डिफरेंस डिफरेंसिस बिटवीन लर्निंग स्टाइल्स ऑफ मेल एंड फीमेल सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन हाउ स्टूडेंट्स लर्न अ लैंग्वेज गर्ल्स डिस्प्ले बेटर एबिलिटीज़ इन लर्निंग अ लैंग्वेज दैन बॉयज़ गर्ल्स हैव मोर पॉजिटिव एटीट्यूड टू वार्ड्स अ सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग फीमेल स्टूडेंट्स आउट परफॉर्म मेल्स मेल से ज़्यादा वो लैंग्वेज uh, सीखने में परफॉर्म uh, करते हैं फीमेल्स मोर ओपन टू न्यू लिंग्विस्टिक फॉर्म्स वो दूसरी भाषा को सीखने में ज़्यादा ओपन होती हैं ज़्यादा uh, रुचि दिखाती है एज कंपेर टू मैन देन वी हैव एन अदर फैक्टर दैट इज़ इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि uh, कई तरह की आई क्यू लेवल्स के uh, हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं लर्नर्स होते हैं कुछ स्लो लर्नर होते हैं समार मीडियोकर्स गिफ्टिड हाई आई क्यू लेवल स्टूडेंट्स तो ऐसे बच्चे अपनी अपनी गति से भाषा को सीखते हैं यह इंटेलिजेंस दैट्स वाई इज मोर इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन देन अनदर फैक्टर दैट इज एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड मीन्स पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल टू डू समथिंग कुछ इनबॉर्न होता है कुछ पोटेंशियल कुछ की इनबॉर्न होती है एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज इन एट पावर्स ये डिसाइड करती है एप्टीट्यूड टू लर्न लैंग्वेज फोर इंडिपेंडेंट एबिलिटीज आर देयर फर्स्ट इज़ फोनेटिक कोडिंग एबिलिटी एबिलिटी टू परसीव एंड मेमोराइज न्यू साउंड्स, सभी बच्चों की अपनी अपनी मेमोराइज करने की क्षमता होती है और ये मेमोराइज़ न्यू साउंड को कैसे मेमोराइज़ करना है कैसे इनको याद करना है इससे भी लैंग्वेज लर्निंग पर प्रभाव पड़ता है ग्रामेटिकल सेंसिटिविटी अब ग्रेमेटिकल रूल्स के रिगार्डिंग अवेयरनेस जो बच्चों में पैदा करनी है हम करते हैं उसका भी लैंग्वेज लर्निंग में प्रभाव पड़ता है रोट लर्निंग एबिलिटी एबिलिटी टू लर्न एसोसिएशन विद साउंड्स एंड मीनिंग्स रैपिडली कि किस साउंड को क्या मीनिंग दिया जाता है किस साउंड का क्या अर्थ है इसका जब बच्चे इसको लर्न करते हैं इसका उनको पता चलता है तो इसका भी लैंग्वेज लर्निंग में प्रभाव पड़ता है इंडक्टिव एबिलिटी एबिलिटी टू नोटिस एंड आइडेंटिफाई सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन ग्रामेटिकल फॉर्म्स एंड मीनिंग नोटिस एंड आइडेंटिफाई सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस तो so, ग्रामेटिकल जो भी फॉर्म्स और जो भी मीनिंग्स होते हैं उसको वो नोटिस करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सिमिलर है और किस में अंतर है अनदर फैक्टर इज़ एटीट्यूड एटीट्यूड इज़ अ माइंड सेट ऑफ द लर्नर जो भी लर्नर uh, होते हैं उनके एटीट्यूड का सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग पर काफ़ी गहरा असर पड़ता है बिकॉज़ एटीट्यूड ऑफ द लर्नर टुअार्ड्स मेम्बर्स ऑफ द टारगेट लैंग्वेज ग्रुप प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एटीट्यूड ऑफ द लर्नर डिसाइड्स दैट इन वट टाइम पीरियड दे आर गोइंग टू अचीव देअर टारगेट अगर एटीट्यूड हमारा पॉजिटिव होगा टुअार्ड्स लर्निंग तो सीखने में Uh, कम समय लगेगा अगर हमारा सीखने के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड होगा तो हम देरी से सीखेंगे या सीखने में ज़्यादा समय लगता है लर्नर्स आउटकम लर्नर्स ओन कल्चर इन्फ्लुएंसेस एक्विजिशन ऑफ द सेकंड लैंग्वेज लर्नर का जो अपना एक कल्चर होता है अपना एक ट्रेडिशन होता है उनका एक अपना जो वे होता है उसका भी सेकंड लैंग्वेज लर्निंग में असर पड़ता है लैंग्वेज एक्विजीशन ऑफ़ द लर्नर इन्फ्लुएंस बाई एटीट्यूड्स ऑफ ए नंबर ऑफ पीपल लैंग्वेज एक्विजीशन ऑफ़ द लर्नर इन्फ्लुएंस बाय एटीट्यूड ये एटीट्यूड जो है लोगों का प्रभाव डालता है कि वो किस गति से सीखेंगे कैसे सीखेंगे जैसे द लर्नर द टीचर द लर्नर्स पीयर्स पेरेंट्स कि लर्नर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी देर में सीखेगा कितने समय में सीखेगा टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि टीचर के प्रति बच्चे का एटीट्यूड कैसा है टीचर का एटीट्यूड बच्चे के प्रति कैसा है तो उससे भी डिपेंड डिसाइड होता है कि लर्निंग कैसी होगी लर्नर्स के पीयर्स जो उसके साथी होते हैं वो कैसे है उनका लर्निंग के प्रति एटीट्यूड कैसा है उससे भी लर्निंग में मदद मिलती है पेरेंट्स पेरेंट्स का क्या रोल रहता है बच्चे के प्रति वो उनका जो एटीट्यूड uh, है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है उनको लर्निंग uh, के प्रति अवेयरनेस uh, है या फिर नहीं है ये भी डिसाइड करता है कि बच्चे कैसे भाषा को सीखेंगे पर्सनैलिटी डिस्पोजिशन पर्सनल ट्रेड्स पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी से भी ये डिसाइड होता है कि वो भाषा को कैसे सीखते हैं सेल्फ एस्टीम अर्थात स्वाभिमान रिसर्च फाइंडिंग्स कई रिसर्च में फाइंड किया गया है फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ इन्फ्लुएंस द लर्नर्स परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली अगर कोई अपने स्वाभिमान अपने आप को अपने ऊपर विश्वास करता है तो वो जल्दी सीखता है उसके सीखने पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है अगर कोई अपने ऊपर अपने अंदर अपने प्रति हीन भावना रखता है तो वो सीखने में ज़्यादा समय लेता है या वो नहीं सीख पाता है जो कि अक्सर देखने को मिलता है एक्स्ट्रोवर्जन एक्स्ट्रोवर्जन एक्स्ट्रोवर्ड्स बेटर लैंग्वेज लर्नर्स देन इंट्रोवर्ट्स एक्स्ट्रोवर्ड्स मीन्स जो खुलापन रखते हैं जो खुले विचारों के होते हैं दूसरों के सामने अपने विचारों को शेयर करने में नहीं हिचकते हैं उनको सीखने में कोई कठिनाई ज़्यादा नहीं आती है वो बेटर वे में सीखते हैं एज़ कंपेयर टू इंट्रोवर्स इंट्रोवर्स जो कि uh, दूसरों के सामने ज़्यादा uh, बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं जो कि uh, खुलेपन के नहीं होते हैं पर्सनैलिटी डिस्पोजिशन इसी में एंजाइटी एंजाइटी ये एंग्जाइटी इज़ मेन फैक्टर ऑफ लर्निंग न्यू लैंग्वेज लैंग्वेज लर्निंग अफेक्टेड एंजाइटी लेवल ऑफ लर्नर्स फैसिलिटेटिंग एंजाइटी हेल्प द लर्नर फेस द चैलेंज ऑफ द न्यू टास्क सक्सेसफुली अगर कोई अपनी एंजाइटी को दूर करता है जो एंजाइटी मीन्स डर फियर ऑफ फेलियर अगर वो उसको दूर करता है तो उसे सीखने में मदद मिलती है और वो अपने काम में कामयाब हो जाता है अगर वो अपनी एंजाइटी को दूर नहीं करता है तो सीखने में उसको आ, मदद नहीं मिलती है और वो डिमोटिवेट होता रहता है रिस्क टेकिंग गुड लैंग्वेज लर्नर्स टेक्स रिस्क दे आर रिस्क टेकर्स। मेक गैसेस, नॉट अशेम्ड वो गैस करते हैं बातचीत करते हैं शाइनेस उनमें कम होती है नॉट अशेम्ड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स गलतियाँ करने से वो नहीं डरते हैं एंड अपीयरिंग फुलिश इन द प्रोसेस ऑफ ट्राइंग टू कम्युनिकेट जब स्टार्टिंग में हम कम्युनिकेट करते हैं बच्चे कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें गलतियाँ भी होती है तो जो रिस्क टेकर्स होते हैं वो मिस्टेक्स से डरते नहीं हैं क्योंकि मिस्टेक्स करने के बाद ही वो उनको करेक्ट कर सकते हैं बट जो रिस्क टेकर्स नहीं होते हैं वो उन गलतियों को they always uh, remain thinking about uh, uh, their uh, smaller mistakes so uh, after uh, thinking about the smaller mistakes they can not communicate properly with other people next is cognitive style students in the same class differ in their academic achievement as we all know that uh, all students are different differ different from their uh, एकेडमिक अचीवमेंट बिकॉज ऑल आर नॉट सिमिलर द प्रोसेसिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रजेंटेडर डिफर्स फ्राम पर्सन टू पर्सन तो जो भी प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन प्रजेंट करने की होती है इंस्ट्रक्शन बच्चों के सामने देने की होती है तो वो पर्सन टू पर्सन अलग अलग रिक्वायर्ड होती है क्योंकि सबकी अपनी अपनी uh, जो नीड होती है कॉग्नेटिव स्टाइल ऑफ स्टूडेंट्स सबका अपना अपना एक काग्नेटिव स्टाइल होता है सीखने का ज्ञान ग्रहण करने का एक तरीका होता है काग्नेटिव स्टाइल ऑफ और थिंकिंग स्टाइल ये सभी हम जानते हैं कि जो हमारा मन है जो हमारा दिमाग है वो सीखने में सबसे डिफर होता है सबका अपना अपना एक वे होता है सीखने का सबका अपना अपना एक इंडिविजुअल थिंकिंग का क्राइटेरिया होता है उनका किस में वो रुचि लेते हैं किस में रुचि नहीं लेते हैं ये सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है इसलिए अगर कॉग्निटिव स्टाइल के ऊपर हम अपने लेक्चर को तैयार करते हैं हम बच्चों को भाषा सिखाने में आ, आ, मास्टरी करते हैं तो उस हिसाब से भी बच्चों को सीखने में मदद मिलती है कॉग्निटिव स्टाइल डिफर्स फ्रॉम कॉग्निटिव एबिलिटी सबकी अपनी अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी जो हमने डिस्कस किया तो उसके लिए अलग अलग से स्टाइल्स भी या जो स्ट्रेटजीज है वो भी होनी चाहिए तो इस तरह से कॉग्निटिव अर्थात जो हमारी ज्ञानात्मक पक्ष है उसको जैसे ब्लूम टेक्सोनोमी में तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है तो उस हिसाब से टीचिंग स्ट्रेटजीज को प्लान करके हम बच्चों को सिखाने में हेल्प कर सकते हैं जैसे विजुअल uh, एड्स को लेके ऑडिट्री है रीडराइट काइनेस्थेटिक इस तरह से इन सभी uh, जो सेंसेस uh, हैं इनको इन्वॉल्व करके हम बच्चों को टारगेट लैंग्वेज बेटर वे में सिखा सकते हैं विजुअल जिसमें हम प्रेफर और लर्न बेटर इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन द फ्रंट ऑफ मैप्स ग्राफ्स फ्लो चार्ट्स लेबल डायग्राम्स एट्सट्रा विजुअल जहाँ पर हम बच्चे को कुछ टीचिंग एड्स प्रेजेंट उनके सामने करते हैं जिनको देख कर वो सीखते हैं ऑडिटरी जहाँ पर हम कुछ बच्चे को सुनाते हैं जैसे रेडियो है ग्रुप डिस्कशन है मोबाइल फोन्स है स्पीकिंग है जहाँ पर बच्चे कुछ सुनकर सीखते हैं रीडिंग और राइटिंग जहाँ बच्चे रिटर्न uh, टेक्स्ट को पढ़ते हैं और uh, लिखते भी हैं इसके द्वारा भी बच्चों को सीखने में मदद मिलती है जैसे ऐसे असाइनमेंट्स मैनुअल्स रिपोर्ट्स एट्सट्रा कैनस्थेटिक प्रेफर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस सिमुलेटेड और रियल इसमें कैनस्थेटिक में हम बच्चों को कुछ एक्सपीरियंसेस देते हैं जो कि बच्चे खुद प्रैक्टिस करके सीखते हैं चाहे वो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में हो या फिर रियल एनवायरनमेंट में हो इसमें बच्चे सीखते जैसे वीडियोस है मूवीज़ है सिमुलेशंस है डेमोन्स्ट्रेशन है लर्निंग अ प्लेजर अगर लर्निंग को प्लेजर बनाएंगे लर्निंग एनवायरनमेंट को हम बच्चों को एक प्लेजर का एनवायरनमेंट बनाएंगे तो वो अच्छे से सीखेंगे इस तरह से लर्निंग स्टाइल्स के ऊपर ये डिपेंड करता है लर्निंग स्ट्रेटजीज लर्निंग टेक्निक्स के ऊपर डिपेंड करता है अगर हम अच्छी टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं चूज़ कर रहे हैं उसको बच्चों के सामने टीचिंग एड्स के थ्रू टीच कर रहे हैं तो बच्चे अच्छे से लैंग्वेज लर्न करेंगे वो जल्दी सीखेंगे अगर हम कमेटिव डोमेन को अफेक्ट करने वाली उसको हेल्प करने वाली टीचिंग स्ट्रेटेजीज टीचिंग एड्स को यूज़ नहीं करेंगे तो बच्चों को सीखने में मदद नहीं मिलेंगी नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज़ मोटिवेशन मोटिवेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ लर्निंग न्यू लैंग्वेज लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज अ जनरल ओरियंटेशन टू द गोल ऑफ लर्नर लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन इंटीग्रेटिव एंड इंस्ट्रूमेंटल इंटीग्रेटिव मोटिवेशन द लर्नर ट्राइज टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ हरसेल्फ विद द कल्चर ऑफ द सेकेंड लैंग्वेज ग्रुप इंटीग्रेटिव मीन्स जहां पर बच्चा खुद अंदर से अभिप्रेरित होता है सीखने के लिए तत्पर होता है ऐसी अभिप्रेरणा हमेशा दूसरी भाषा को सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है दूसरा इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन में जहाँ पर दूसरा व्यक्ति किस हमें मोटिवेट करता है जहाँ पर टीचर है चाहे पेरेंट्स है चाहे कोई पीयर ग्रुप के लोग है वो बच्चे को मोटिवेट करते हैं कि वो दूसरी भाषा को सीखें सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन इंटरजिक एंड एक्सट्रेंजिक जैसे इसमें पर्सनल नीड्स ऑफ अटेनिंग सक्सेस इन द एग्ज़ामिनेशन सिक्योरिंग अ गुड जॉब अगर इंटरेंजिक की बात आंतरिक मोटिवेशन की बात करें तो इसमें आंतरिक मोटिवेशन तब मिलती है जैसे हम एग्ज़ाम के डर से पढ़ते हैं बच्चे दूसरे भाषा को एग्ज़ाम में कहीं फेल ना हो जाए इसलिए भी वो स्टडी करते हैं दूसरी भाषा को सिक्योरिंग अ गुड जॉब कि एक अच्छी जॉब मिलेगी इसलिए भी दूसरी भाषा को सीखते हैं हिज लव एंड इंटरेस्ट फॉर द लैंग्वेज एट्सट्रा अगर दूसरी भाषा के प्रति प्रेम बच्चे का है तब भी ऐसा होता है या दूसरी भाषा को सीखने में उनकी रुचि है तब भी हम उसे इंटरेजिंग मोटिवेशन में काउंट करेंगे जिससे कि बच्चे को सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन में हेल्प मिलती है अगर एक्सट्रेंजिक मोटिवेशन की बात करें या जिसे हम बाह्य अभिप्रेरणा की बात भी बोलते हैं अराइजेज आउट ऑफ सम एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसमें कि टीचर्स एनकरेजमेंट इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चा आंतरिक तौर पर अभिप्रेरित नहीं किया जाता है दूसरी भाषा को सीखने के लिए बल्कि बाहरी तौर पर दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसे अभिप्रेरित किया जाता है कि वो भाषा को सीखें जैसे टीचर एनकरेजमेंट टीचर बच्चे को एनकरेज करता है सपोर्ट करता है इंस्पायर करता है कि वो भाषा को सीखें लेट्स सम अप। सेवरल फैक्टर्स अफेक्ट सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन बहुत सारे फैक्टर्स की हमने अभी बात की कि इनसे हमारा जो लैंग्वेज एक्विजिशन जो दूसरी भाषा को सीखने का हमारा जो एक वे है वो प्रभावित होता है जिसमें कि हमने एज की बात की कग्निशन की बात की सेल्फ एस्टीम की बात की रिस्क की बात की एंगजाइटी की बात की और इस तरह से अन्य कई फैक्टर्स की बात की टुडे वी सॉ द लर्नर फैक्टर्स दैट इज फैक्टर्स रिलेटेड टू द लर्नर्स एज अ पर्सन देवर द एज ऑफ द लर्नर जेंडर इंटेलिजेंस एटीट्यूड एप्टीट्यूड कॉग्नेटिव स्टाइल पर्सनैलिटी डिस्पोजिशन एंड मोटिवेशन एज टीचर्स ऑफ सेकेंड लैंग्वेज वी शुड बी अवेयर ऑफ दिज क्रूशियल Factors that affect our students' learning of second language. That's all about this topic. Thank you.